सानिध्य का लाभ मिला, वही सानिध्य के लाभ को, वही सानिध्य की हम पाने की आज हृदय से मंगल कामना भगवान के चरणारविंद में कर रहे हैं। प्रभु के श्री चरणारविंद का स्मरण करें, भावना करें, हे प्रभु आज तेरी कृपा हुई इसलिए हम यहाँ उपस्थित रहे हैं। आपका नाम स्मरण करते हुए हमारे भीतर में जितने भी कषाय कलमस हैं उसको हम धो दें, तभी आपके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और भाव पैदा होगा। वरना बैठे हैं यहाँ लेकिन स्मरण किसका होगा? घर का, घर के लोगों का स्मरण किसका होगा? घर में आज तो सब्जी नहीं है, लेने को भी भूल गई, सीधी चली आई, अब जाके मैं क्या करूंगी, अब तो शाम को बहन जी तो जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। स्मरण ऐसा मत करना कि क्या सब्जी बनाए, क्या सब्जी बनाएंगे, क्या खाना पकाएंगे। एक मास दादी माँ थी ना, वो कथा सुनने आती थी, पहली लाइन में बैठ जाती थी, कथा चली, महात्मा जी ने बहुत अच्छी कथा की, दादी माँ पूरी कथा में रोती रही। जब दादी माँ रो रही थी, महाराज ने देखा कि कितनी भाव से कथा सुन रही है। कथा पूरी होने के बाद महात्मा जी ने माँ जी से कहा, माता जी जरा मुझे मिलना, इतने सारे पंडाल में किसी ने भी कथा इसी भाव से नहीं सुनी। जब कथा पूरी हुई, महात्मा जी से मिलने गई माता जी, माताजी को महाराज ने बोला, कितने भाव विभोर होकर कथा सुन रही थी, कैसी रो रही थी। तब माताजी ने कहा, क्या बताएं महाराज, इस मंगलमय पांडाल में हम खड़े हैं, कथा का माहौल है, भगवान के सूक्ष्म चेतना यहाँ पर विद्यमान है, तो यहाँ हम झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मुझे रोना इसलिए आता था। मैं सच्ची बताती हूँ कि आपकी ये दादी है ना, वो आप बोलते हैं तो ऐसे हिलती है कि 15 दिन पहले ही मेरा बकरा मर गया ना, उसकी दादी ऐसी ही थी। यहाँ आने के बाद घर का स्मरण मत करना, यहाँ आते हैं तो सिर्फ अपने मन में प्रभु का ही स्मरण बना रहे, प्रभु के प्रति ही हृदय में श्रद्धा भाव बना रहे। इसलिए तो सबसे पहले हम कीर्तन करते हैं, क्योंकि कीर्तन भक्ति ऐसी है कि हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे अंतःकरण को धोकर साफ कर देती है, और उसमें रोम रोम में श्रद्धा का जागरण हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले कीर्तन करते हैं। आइए हमारे भीतर में प्रभु की, परमात्मा की परम कृपा अनुग्रह एवं वही दिव्यता को धारण करने की क्षमता को सुविकसित करें। भज गोविंद गोविंद गोपाल, बड़े भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए
हृदयंतर के द्वार। लीला तोरी अपरंपार है, करो का विस्तार। पधारिए राधे श्याम, ज्ञान शक्ति और मति देकर करो सबका उद्धार। बजे गोविंद गोविंद गोपाल, बजे गोविंद गोविंद गोपाल, भगवान के दिव्य स्वरूप भागवत जी के रूप में हमारे सामने है। भगवान की देवी लीलाओं का हम स्मरण करते रहे। कल भगवान का परम दिव्य स्वरूप, भगवान की परम दिव्य लीलाओं का स्मरण किया। कई ऐसे भक्तों का प्रभु ने केवल नाम से ही उद्धार किया था। हम भी अपने जीवन में धारण करें। अजामिल का प्रकरण, अजामिल के जीवन की सुंदर कथा प्रसंग को हम याद करते करते प्रभु के नाम में डूबने के लिए प्रार्थना की थी। प्रभु तेरी भक्ति दे जन्म जन्म। भगवान की भक्ति अगर इस जन्म में हमने सफल कर दी तो सच्चा भक्त जो होगा वो भगवान के पास मोक्ष की कामना नहीं करेगा। हमारे गुजरात के महान संत भक्त नरसिंह मेहता वो कहते थे,
हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार। हे प्रभु तू मुझे हर बार जन्म देना, मानव योनि में जन्म देना और मुझे तेरी भक्ति करने की ही शक्ति मिले, बस इतना ही वरदान देना। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष से क्या मिलता है, न मुझे आनंद न तुझे आनंद, उसमें विलीन हो जाने से क्या। ये कामना करना भी, भक्ति करते करते ये कामना करना भी एक हमारी इच्छा होती क्या कही लाई जाती है। कल बताया था कि मोक्ष यानी कि मुक्ति किससे लेनी है, मरने के बाद नहीं लेनी है, हमें इस समय में ही मुक्ति लेनी है, इस समय में ही मोक्ष पाना। सांसारिक तत्वों से जितना लगाव ज्यादा रहेगा उतना माया का प्रभाव बढ़ेगा, सांसारिक तत्वों से लगाव छूट जाएगा तो मोक्ष यहां ही मिल जाएगा। मोक्ष कोई चीज थोड़ी है कि उसे पाने के लिए हम कुछ करें। और संतों ने बताया है कि सन्यासी होकर मोक्ष लेना वो तो बहुत कठिन बात है, लेकिन गृहस्थ में जीवन जीते जीते हम मोक्ष ले ये तो बहुत सरलता से हम पा सकते हैं। बात इतनी ही है कि हमें सब छोड़ना है, हमें सब छोड़ना है, हमसे छूटता नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमसे कुछ छूट जाए, उपनिषद कहता है त्यागे सो आगे, जिसका हम त्याग कर देंगे वो हमें आकर मिलने लगेगा, वो हमें आकर मिलने लगेगा। एक बार त्याग करके तो देखो, हम सोचते हैं कि हमारे पास कहीं कुछ कितना है, लेकिन हम जो है हमारा बैलेंस बनाने में ही पड़े, हमारे पास कुछ है इससे हम अकेले आनंद लेंगे तो उसमें क्या मजा आएगा। हमारे पास बहुत कुछ खाने को है, हम बहुत अच्छी अच्छी बना के चीज खाते हैं, उससे आनंद थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन हम जो चीज बनाते हैं वो दो चार घर में बांटते भी हैं वो खाएगा उससे हमें आनंद मिलेगा। कई बार तो हम भूखा रहकर दूसरों को खिलाएंगे उसका आनंद तो उससे भी ज्यादा होगा। वही एक यज्ञ हो जाएगा, वही एक यज्ञ हो जाएगा। त्याग तो करके देखो। हमेशा ऐसा सुंदर कथा का प्रसंग हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उसके साथ तो हम मिल सकते हैं, उसको तो हम कुछ मदद कर सकते हैं, उसमें तो हम सहयोगी बन सकते हैं कि हम अकेले नहीं करेंगे। आपने अच्छा बहुत अच्छा काम किया, ऐसा काम हम नहीं करने वाले थे, कर भी नहीं सकेंगे, पूरी पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपने किया है, मेरे पास जो भी है मैं आपको देती हूँ। हमारे पास कई ऐसे प्रसंग हैं, छोटी छोटी बच्चियों ने अपने पिताजी से अपने जेब खर्ची के लिए कुछ पिताजी देते रहते थे उसमें से कुछ बचा के हिस्सा रखा था, उसमें से बच्चियों ने सोचा कि अगर इतना सारा भगवान का काम हो रहा है, कई जीवों को अगर भगवान की वही दिव्य मंगल कामना और भावनाओं से जुड़ने का प्रयास किया जाता है तो हम भी उसमें लगेंगे, हम भी उसमें लगेंगे, ऐसा सोचकर कई बच्चियों ने अपना जो डिब्बा बना के रखा था वही डिब्बे में से निकाल के सबको दे दिया, ले जाती बच्चियों को अपने घर में, छोटे छोटे बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को बालकों को भी सत्कार्य में कुछ देने की आदतें डालें। अगर बच्चे छोटे हैं उसको हमने कुछ देने की आदत डाल दी तो मान लेना कि जब हम वृद्ध होंगे हमको भी पैसों की जरूरत होगी, तब तो चाबी हमारे पास नहीं होगी और जरूरत पड़ेगी दवाई लानी है, हम बेटे को बोलेंगे बेटा दवाई लानी है तो बेटा कहेगा अभी नहीं, एक हफ्ते के बाद ला दूंगा, अभी चला लो। लेकिन जिस बेटों को बचपन से ही कुछ देने की आदत डाली है तो वो ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा अच्छा माताजी पिताजी आपको दवाई लानी है ले लो,
लाइए कौन सी दवाई लानी है, आदत डालो। हमारे वहां बहुत सामान्य स्तर का एक मान भी है, एक भाई है, श्रद्धालु है, हमारा परिजन है, ठाकुर भाई नाम है उसका। हर महीने उनकी तनख्वाह आती है, उसमें से एक हिस्सा निकाल के भगवान के काम में हमारे शांति पुंज परम पूज्य गुरुदेव का एक घोंसला, जहां पर निरंतर प्राण शक्ति बहती रहती है। गुरुदेव का स्वप्न था तक्षशिला और नालंदा की तरह यहाँ पर भी विश्वविद्यालय बने और हमारे सारे भारत के प्रतिभाशाली युवक और युवतियों में वही शक्ति भरी जाएगी। जो विश्व के कोई भी मंच पर जाएगा, वहां जाकर वो अपना भारत की ओर से प्रतिनिधित्व संभालेगा। वहां पर कई बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिनकी तनख्वाह की एक हिस्सा वहां विश्वविद्यालय के लिए दिया जाता है। अपना अपने पास रह जाएगा, इसलिए त्यागे सो आगे, त्याग करने के लिए हमारे भीतर में वही भी भाव होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। वही उदारता को लाने के लिए भगवान कहता है कि मैं कौन हूं, मैं तो सदगुणों का भंडार हूं। जैसे एक एक करके सदगुण अपने भीतर में ले जाने का प्रयत्न करने लगेंगे, तब भगवान की कृपा आप अपने आप आकर हमारे आस पास रहने लगेगी। उदार मन, उदार भाव हमारा तब बनेगा जब हम नाम प्रभु के नाम में ऐसे लगेंगे, प्रभु के नाम में ऐसे लगेंगे कि हमारा मन अंतःकरण बहुत अच्छी भली बात है, उसमें डूब जाएगा। इसीलिए तो नाम स्मरण जितना भी हो सके करो, उसमें हमें कुछ पैसों की खर्च नहीं करनी पड़ती है, नहीं कोई विधि विधान करने पड़ते हैं। पूज्य संत शिरोमणि डोंगरे जी महाराज कहते थे कि बेटा कोई भी काम करो, लेकिन मुख में प्रभु का नाम रखो, मुख में प्रभु का नाम रखो, बस जिंदगी को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी मास्टर की है, वही एक मास्टर की है, उसको हम साथ रखें, ताकि कभी ना कभी कोई भी ताला खोलने को हमारे सामने आ जाए, हम वही से उसी मास्टर की से हम सब ताले खोल सकते हैं। अजामिल ने अपने जीवन प्रसंग में नाम स्मरण की महिमा का वर्णन बताया। उसी ही षष्ठम स्कंध में वृत्तासुर का प्रकरण है। भगवान स्वरूप सदगुरु स्वरूप सुखदेव जी महाराज आज वही प्रसंग सुनाता है परीक्षित को। हे परीक्षित, हे राजर्षि, अंतिम समय में भी अगर प्रभु का स्मरण बड़े भाव से किया जाता है तो उनकी भी सदगति होती है, ऐसा कहते हुए वृत्तासुर की प्रकरण को याद किया गया। कहा जाता है वृत्तासुर अदिति और कश्यप से मरुद्गणों की उत्पत्ति हुई थी, वो इंद्र से उसका कुछ खराब प्रभाव के कारण मरुद्गण को प्राप्त किया। अदिति और कश्यप सोचने लगे कि इस इंद्र की तो कुछ शान ठिकाने लानी पड़ेगी, इसलिए इंद्र को मारने के लिए एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए कई अच्छे पयोव्रत करते हुए श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने की सोची और एक महायज्ञ किया गया। लेकिन यज्ञ में जब हम आहुतियां डालते हैं तब हमारा मंत्र शुद्ध होना चाहिए। मंत्र में अगर एक थोड़ी सी भी गलती हमने कर दी तो उसका अर्थ पलट जाता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, ऐसा उनका अर्थ होना चाहिए, लेकिन मंत्र में थोड़ा क्षय हो गया इसलिए उसका अर्थ हुआ इंद्र से मरने वाला पुत्र चाहिए। और यज्ञ से, भगवान यज्ञदेव से जो पुत्र प्राप्त हुआ वही वृत्तासुर जब इंद्र के साथ लड़ने लगा, पूरा इंद्रासन, पूरी संपत्ति,
पूरा साम्राज्य वो प्राप्त करने के लिए इंद्र के साथ लड़ रहा था। वृत्तासुर मरता ही नहीं था क्योंकि वो कितना प्रबल था, शक्तिशाली था, यज्ञ से उसको प्राप्त किया गया था, वो मरने वाला नहीं था। बहुत युद्ध चला, कई कई दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, फिर इंद्र रोता हुआ भगवान के पास गया। भगवान श्री हरि ने कहा, इंद्र ये वृत्तासुर है। ऋषि दंपति ने उसे व्रत के माध्यम से, यज्ञ की उपासना से प्राप्त किया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। हमारे युवान युवतियों को इतना बताया जाता है कि जब हमारे घर में कोई अच्छा दिन आए ना, तो हमारी परिवार की माता बहने भाइयों को मिलकर पुष्पवन संस्कार अवश्य कराए। यज्ञ बन सके तो प्रतिदिन छोटा सा दैनिक यज्ञ भी, हवन भी अपने घर में किया करें। हो सके तो नित्य गायत्री महामंत्र की उपासना करते हुए, भगवान सूर्य नारायण को स्मरण करते हुए प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु सूर्य नारायण भगवान, हे परमात्मा, सारे ब्रह्मांड को आप प्रकाशित करते हो, वैसे ही प्रकाशित चेतना मेरे बालक में भी आए। एक बार 9 महीने तक ऐसी उपासना करके तो देखो, आपके घर में स्वयं भगवान की परम दिव्य शक्तियां भी आ सकती है, अगर हम कर सके। सांसारिक सभी तत्वों को दूर करो, उस 9 महीने की अवधि में अगर हमने अपने जीवन को संभाल लिया ना, तो स्वयं परमात्मा भी आ सकते हैं, स्वयं परमात्मा आ सकते हैं। ऐसे नहीं मरने वाला है। भगवान ने बताया कि उसको मारने के लिए अस्थि का वज्र बनाना पड़ेगा। अस्थि का वज्र? हाँ, और ये अस्थि कहां मिलेगी? अस्थि कौन देता? अपने घर की कोई चीज भी कोई मांगता है तो हम कितनी सोचते हैं, कोई पड़ोस में से लेने आया, बहन जी आपके पास वो मशीन है ना, जरा दीजिए ना, मुझे मिक्सर चाहिए, मेरा मिक्सर बिगड़ गया है, तो हम कहेंगे कि हाँ है तो सही, दे देती, मगर क्या करो, वो कल मैंने उसको चलाया था, चला ही नहीं। फिर उसके भीतर में कुछ बात याद आ जाएगी, अरे नहीं दूंगी तो कल शायद मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो भी नहीं देगी, ऐसा सोचेंगे, कुछ याद आ जाएगा तो क्या करेगी, अच्छा फिर देख तो लेती हूँ कि चलता है कि नहीं, फिर वो निकालेगी। अगर ये बात याद नहीं आई तो कहेगी कि वो कहाँ रखा है मालूम ही नहीं है, मैंने कितना कल भी मुझे चाहिए था, ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं, वो मेरी बच्ची आई थी ना, वो कहाँ रख के गई, कहाँ से बहाने निकालने लगेगी और नहीं देगी। हम तो हमारे घर में कोई चीज है वो नहीं देते हैं तो अस्थिदान कहां से होगा, अस्थि कौन देगा? वृत्तासुर को मारना है, अस्थि कहां से मिलेगी, और अस्थि का वज्र बनाए तब वृत्तासुर मरने वाला है। भगवान ने कहा हाँ, अस्थि का वज्र होगा तभी वो मरेगा। तो इंद्र कहने लगा कि प्रभु अस्थिदान कौन देगा, इसका वज्र बना तो लू लेकिन अस्थिदान मिले तो ना, कौन देगा अस्थि? जब जब कल्याणकारी कामनाएं सामने आती है ना, तब इस भारतवर्ष के ऋषियों ने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है। इस भारतवर्ष के ऋषियों ने मंगल कामना की है, जन कामना की है, इसलिए चाहे कुछ भी मांगा है उन्होंने दे दिया है। इस ऋषि की हम संतान है, इस ऋषि की संतान है, ताकि अब हमारे घर कोई आए ना तो प्रेम से देना, हाँ हाँ ले जाइए ले जाइए, और कुछ चाहिए ऐसा पूछना, और कुछ चाहिए ऐसा पूछना। इंद्र भगवान से आजीजी करने लगा, प्रभु कौन देगा अस्थिदान? तब भगवान ने कहा कि जा, ठिकाना बताया, वहां चला जा, वहां दधीची ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में मग्न है, तप कर रहा है, उसको बोलना वो तुझे अस्थि देगा। ऋषि अपना अस्थि देगा? हाँ अस्थि देगा, जा। इंद्र दधीची के पास आए, मंगल कामना की, उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए,
इंद्र ने बताया कि मुझे आपका अस्थि चाहिए। क्यों? क्योंकि वृत्तासुर मेरा इंद्रासन लेने के लिए आया है, उसमें आसुरी भाव भी है। अगर वो नहीं मरा तो इंद्रासन चला जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथ में ही संचालन होना चाहिए, उसको मारना पड़ेगा। जब दधीची ने सोचा, ऋषि ने सोचा कि उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए। आज तक परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए बताया कि आज तक हमने जितनी भी भगवान की स्मरण की, स्तुति वंदना की, प्रार्थना की, यज्ञ यागी होम हवन जो कुछ भी किए, उसमें हमारी कोई ना कोई कामना थी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे धंधे के लिए, हमारे नौकरी के लिए, कुछ भी हो कोई बात नहीं, हम मांगे तो भी उसी से ही मांग सकते हैं, किससे मांगे कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि बेटा अब हमारी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे विश्व पर कितनी आपत्तियां मंडरा रही है, इसलिए अब हमारे भीतर में से कोई भी उपासना होगी वो विश्व कल्याण की कामना से होगी। भगवान मेरा नहीं सारे विश्व का कल्याण करना है, विश्व कल्याण की कामना किया करें। विश्व कल्याण की कामना जिसके भीतर में से निकलती है उसका कल्याण तो अपने आप हो जाता है। हमें अपनी कोई चिंता ही नहीं करनी है, अपनी फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। सबकी कामना, सबके मंगल, सबके लिए मंगल कामना हम करेंगे तो हमारा मंगल ही होगा, उद्देश्य श्रेष्ठ। वृत्तासुर को मारना है। भगवान ने इंद्र को भेजा, दधीची के पास आए। ऋषि दधीची इंद्र की बात सुनता था, सोचा कि उद्देश्य श्रेष्ठ है इसलिए अस्थि दान देना चाहिए। दधीची ऋषि ने अपने मंत्र बल से एक गाय पैदा की, उस गाय में ऐसी प्रेरणा दी कि वही गाय दधीची ऋषि के ये चमड़े मांस मंजा वो खा गई, सिर्फ अस्थि रहे। अस्थि रहने के बाद इंद्र वो अस्थि ले गया और उसमें से वज्र बनाया, और वज्र बनाकर इंद्र वृत्तासुर के सामने गया। अब आजा मैं तुझे बताता हूँ। जब इंद्र के हाथ में ऋषि के अस्थि से बना हुआ वज्र को देखा और उसी में भगवान की स्तुति वंदना करते हुए वृत्तासुर कहने लगा कि अरे मेरे भगवान ने मेरे मुझ पर कृपा की है, इसलिए मेरे प्रभु मेरे सामने हैं। उसमें इस अस्थि में भी वृत्तासुर को भगवान की झांकी होने लगी तो वृत्तासुर अति प्रसन्न हो गया। लड़ने की बात एक और रही, वृत्तासुर भगवान को स्तुति करने लगा। अहम हरे तब पादे कमूल दासानु दासो भवितास्मि भूयम् मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायं न नाक पृष्टं न च पार्विष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा हिर्वह्यकाक्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा सन्यं यथावत् सरिराशुदाता प्रियं प्रियेव कृषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष निर्दृक्षतेताम् ममोतम श्लोक जनेषु सख्यम्। प्रार्थना की, आइए प्रभु, आइए प्रभु, मैं आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ, चाहे मुझे आपके दास का भी दास बनना पड़े, मैं चाहता हूँ प्रभु। आज मैं आपकी ऐसी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझे ले जाइए, जैसे कोई पक्षी का बच्चा, उसको पंख भी नहीं आई है, अपना अपनी माँ उसके लिए कुछ दाने लेने गई है, उसकी राह जो बच्चा देखता है वो उड़ नहीं सकता है, अपनी माँ की राह जिस तरह देखता है उसी तरह मैं तेरी राह देख रहा हूँ प्रभु, मुझे ले लीजिए जिस तरह